ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। हम आपको नवी मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से बारिश का पानी सड़कों पर भर गया है, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश से जिस तरह से सड़कों पर पानी भर गया है, लोग पानी में कार बाइक लेकर फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें एरोली सेक्टर 5 नंबर रेलवे ब्रिज के नीचे की है, जहां लोग पानी में अपनी गाड़ियों को लेकर धक्का मारते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें लोकल ट्रेनों की तो लोकल ट्रेनें भी 20 से 25 मिनट से देरी से चल रही हैं। कई रेलवे स्टेशनों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं और ट्रेनें 20 से 25 मिनट देरी से चल रही हैं। यात्रियों ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। थोड़ा गाड़ी नेहमीच है, पाउस येते तर जास्ती येते प्रॉब्लम, आता तर ठीक आहे, थोडा थोडा चालू आहे पण तरी पण लेट आहे गाडी। आता सकाळपासून तुम्ही निघालात, किती वेळ लागला तुम्हाला यायला? मला इथे यायला कमीत कमी थोडा तास लागला। कुठे कुठे पाणी साचलं आहे? हाय पाणी हा इथे ठाण्याला थोडा जास्त वाटते, बाकी ठीक आहे। आणि काय काय नेमकं काय कारण आहे? काय आता कारण काय सांगायचं, काहीतरी रस्ते म्युनिसिपालिटीचे काय काय प्रॉब्लेम। कशा प्रकारे त्रास जाणवतो? खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास जाणवतो, कारण पब्लिक सगळं समोरून येते, समोरून रस्ता पण बंद असल्यामुळे खूप लेडीज लोक पण त्याच्यावर उड्या मारून वरती येतात आहे, तर ॲक्सिलेटर बंद असल्यामुळे खूप मोठा त्रास होतो त्याच्यामध्ये। ॲक्च्युली पाणी गेलं आहे, त्याचा लोड पण कमी आहे, त्याच्यामुळे तो बंद पडला आहे असं ते। आणि बाजूचा जो जिना आहे किंवा मग तो कधीपासून बंद आहे आणि उद्घाटन व्हावं असं वाटतंय? उद्घाटन तर लवकरात लवकर झालं पाहिजे, जवळजवळ मी बघतो त्याला 5-6 दिवस झाले आम्ही ट्रेनने येतो पण तो बंदच आहे, तिथे फक्त बॅरिकेड लावून ठेवले, तर काम तर पूर्ण झालेलं दिसत आहे पण खालून त्यांनी काही एखादी वस्तू लावली पाहिजे जेणेकरून लोकांना वरती येऊन मग समजतंय की तो बंद आहे करून, तर त्याच्यामुळे पण त्रास होतो त्यांना। वही नवी मुंबई ठाणे में अगले 48 घंटे बारिश भारी पड़ सकती है। रात भर हुई बारिश में मुंबई ठाणे, नवी मुंबई के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। 2 फीट से भी अधिक इलाकों में जलभराव हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।